आज भाजपा ने पूरे प्रदेश में किसान हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेशव्यापी आंदोलन किया। इसी तारतम्य में नरसिंहपुर जिले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत्व में विशाल जनसभा की गई। इसके बाद जनपद मैदान से पैदल रैली निकालकर ढोल नगाड़ों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और बिजली बिलों की होली जलाई। इसके बाद राकेश सिंह मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ नरसिंहपुर विधायक जालक सिंह ने कांग्रेस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति की नागरिकता पर भी सवाल उठाए, जो कि प्रजापति नरसिंहपुर के मूल निवासी है लेकिन वह एससीगत जाति प्रमाण पत्र रखे हुए है। वही दूसरी तरफ नरसिंहपुर जिले के कांग्रेस अध्यक्ष मैथिली शरण तिवारी इन सभी आरोपों को खारिज करते नजर आए। उन्होंने अभी हमारे विधानसभा के एक सहयोगी सदस्य को नियम का हवाला देते हुए उनको बर्खास्त किया है। मैं कह सकता हूं कि उनका कहीं से कहीं तक उनका डीएनए टेस्ट हो जाना चाहिए। वो यहां के निवासी हैं, यहां के रहने वाले हैं, उनकी पूरी फैमिली, बाकी उनकी रिश्तेदार, उनको भी नहीं मिला। जिले का कोई प्रजापति समाज को एससी का यहाँ हमारे जिले में उनके अलावा किसी को प्रमाण पत्र नहीं है। फर्जी प्रमाण पत्र है और वो ढक रही है कांग्रेस, तो अर्जी फर्जी चोर चक्का बदमाशों की फौज है। क्या आप लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहीं कोई याचिका लगी? एक बार हाई कोर्ट में गए थे तो उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाए। क्या